आज मैं आप लोगों से इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का पहला कंपोनेंट आपने कल पढ़ा था, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मीथेन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स। तो जब हाइड्रोजन मीथेन गैस को जब हम 700 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, तो ये डिकम्पोज हो जाती है हाइड्रोजन गैस और सॉलिड कार्बन, जिसको कार्बन ब्लैक का नाम दिया गया था। ठीक है, फिर हमने कल इसके यूजेस की बात भी आपके साथ शेयर की थी कि कार्बन ब्लैक के तीन यूजेस आपको बताए गए थे। नॉर्मली यूजेस इस इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के साथ आमतौर पर लिखे नहीं जाते। अब जरा अगला कंपोनेंट देखिएगा कि हमारा अगला कंपोनेंट क्या है, बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ एमोनिया गैस। बेटा यहाँ पर टेम्परेचर की जो रेंज है वो है 1000 डिग्री सेल्सियस, और एल्युमिनियम ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट आप और मैं यूज कर रहे हैं, तो एमोनिया गैस डिकम्पोज होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस का एक मिक्सचर बना लेती है। बेटा ऊपर वाला पहला जो मेथड है, इस मेथड के अंदर एक चीज सॉलिड है और दूसरी चीज गैस की फॉर्म में थी, लिहाजा दोनों एक दूसरे से अलग थलग हमें नजर आ जाएंगे। गैस ऊपर की तरफ और सॉलिड नीचे की तरफ जाकर बैठ जाता है। लेकिन इस बार इस बनने वाले मिक्सचर में नाइट्रोजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। दोनों की दोनों गैसेस न्यूट्रल हैं, ना ये एसिडिक नेचर ना ये बेसिक नेचर। इस बुनियाद पर ये पानी में डिजोल्व नहीं होंगी। इसके लिए हमने पूरे मिक्सचर को माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। माइनस के 196 डिग्री सेल्सियस पर जाकर नाइट्रोजन लिक्विड बन जाती है, जबकि हाइड्रोजन पहले भी गैस थी और बाद में भी गैस रहेगी। बेटा ये माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस जो तुम्हें यहाँ लिखा नजर आ रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन कंसीडर किया जाएगा। फिर मैं आपके साथ एमसीक्यू शेयर करूंगा, तो वहां पर ये बात आप लोगों को समझ में मजीद आ जाएगी। अब हम चलते हैं तीसरे मेथड की जानेब। तो सेकेंड मेथड की लैंग्वेज उस वक्त तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप ये दोनों पैराग्राफ विद इक्वेशन नहीं लिखोगे, उस वक्त तक ये बात कंप्लीट नहीं हो सकेगी। मेथड नंबर थ्री आमतौर पर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। आमतौर पर इसके अलावा मेथड्स पूछते हैं, लेकिन आपको दो चीजें याद करनी है कि भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसेस कहाँ कहाँ पर मिलती हैं। तो जब हम प्योरिफाइड वाटर में सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा बेस शामिल कर दें, अल्कली शामिल कर दें, और जब करंट पास करते हैं, तो कैथोड पर जाकर हाइड्रोजन गैस कलेक्ट होगी और ऑक्सीजन गैस एनोड पर कलेक्ट हुआ करती है। तो हाइड्रोजन गैस का कलेक्ट होना हमेशा किस पर होगा, कैथोड पर, क्योंकि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, लिहाजा कैथोड पे नेगेटिव, जबकि ऑक्सीजन पे अपना चार्ज नेगेटिव होता है, इस वजह से वो एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हुआ करती है। तो आप लोगों ने इस चीज को इस तरह से जहन में रखना है कि कैथोड पर कौन सी चीज मिल रही है, हाइड्रोजन कलेक्ट्स एट कैथोड, जबकि एनोड के ऊपर आपको क्या चीज मिल रही है, ऑक्सीजन गैस एनोड पर हासिल की जाएगी। तो इस तरीके से आपसे ये चीज एमसीक्यूज की शक्ल में पूछी जा सकती है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर और अल्कलाइन वाटर, विच गैस इज ऑब्टेन एट कैथोड। तो आपने हाइड्रोजन का नाम लिखना है, एट एनोड कहेगा तो आपने ऑक्सीजन गैस का नाम लिखना होगा। तो इस तरीके से आपने मैंने इन चीजों को जहन में रखना है अपने। अब मेथड नंबर थर्ड के बाद चलते हैं मेथड नंबर फोर, और याद रहे मेथड नंबर थ्री जिसको इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कह रहे हो, ये एक एक्सपेंसिव मेथड कंसीडर किया जाता है। ऐसे तमाम मुल्क जहां पर इलेक्ट्रिसिटी काफी महंगी है, एक्सपेंसिव है, यकीनन वहां पर हम इसके जरिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को सेपरेट नहीं कर सकते। इसके लिए बे इंतहा ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है और ये एक्सपेंसिव मेथड कंसीडर किया जाता है। इस बुनियाद पर बहुत सारे मुल्कों में जहां पर बिजली महंगी है, वहां पर हाइड्रोजन गैस को इस मेथड से तैयार नहीं किया जाता। इस तरीके से आप और हम इस बात को अच्छी तरह को समझ लेना चाहिए कि ये मेथड नंबर थ्री है, आपने इसको याद नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि कैथोड पर कौन सी गैस बनेगी और एनोड पर कौन सी गैस हासिल होती है, इसकी मुकम्मल आपको डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है। अब मैं नंबर फोर पे जा रहा हूं, जो मैंने कल मेथड नंबर थ्री की शक्ल में आपको पढ़ाया था। एक बार फिर इस चीज पर तवज्जो दे लेते हैं, ताकि मैं आज आप लोगों को ये सब की सब चीजें एक साथ डिस्कस करके वाइंड अप करना चाहता हूं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। कल ये हमारी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी, आज उसका तोड़ निकाल लिया गया।
देखिए पानी 100 डिग्री सेल्सियस से जब भी ज्यादा होगा हमेशा उसको स्टीम पुकारा जाता है। क्या चीज पुकारते हैं? स्टीम पुकारेंगे। अब जरा देखिएगा कि मिथेनॉल कहिए, मिथाइल अल्कोहल कहिए, या इसको स्प्रिट का नाम दिया जाए, तो जब मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स वाटर या स्टीम के साथ मिलते हैं, टेम्परेचर की रेंज है 250 डिग्री सेल्सियस, तो बेटा एक गैशियस मिक्सचर बन जाता है। देखो गैशियस मिक्सचर तो यहां पर भी बना है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मगर ये दोनों के दोनों अलग अलग चैम्बर में तैयार हुए। देखिए मेथड नंबर टू के अंदर भी गैशियस मिक्सचर बन रहा था, मगर नाइट्रोजन हाइड्रोजन दोनों न्यूट्रल गैसेस थी, लिहाजा ना पानी में से पास करके अलग हो सकती थी, तो लिहाजा आपने इनको ठंडा करके एक दूसरे से सेपरेट किया था। लेकिन इस मेथड नंबर फोर जिसको स्टीम मिथेनॉल प्रोसेस का नाम दे रहे हैं, इसके अंदर बनने वाली हाइड्रोजन गैस तो न्यूट्रल है, यानी न्यूट्रल गैस का मतलब ना पानी से रिएक्ट करेगी, ना एसिड से रिएक्ट करेगी, ना बेस से रिएक्ट करेगी, मगर कार्बन डाइऑक्साइड एक एसिडिक नेचर गैस कहलाती है। तो जब 250 डिग्री सेल्सियस पर मिथाइल अल्कोहल और स्टीम के मिक्सचर को मिलाया गया तो एक और मिक्सचर बन गया, वह हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूंकि एसिडिक नेचर गैस है, तो आपने मैंने क्या काम किया, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने इस मिक्सचर से अलहदा करने के लिए पानी में से गुजारा हाई प्रेशर के जरिए, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड पानी में डिजोल्व हो जाएगी, मगर हाइड्रोजन पहले भी गैस थी, बाद में भी गैस ही रहेगी। इस तरीके से आपके पास ये चौथा मेथड इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम पर आपको यहां पर याद कर लेना है। अब चलते हैं मेथड नंबर फाइव और फिर मेथड नंबर सिक्स की जानेब। इन दोनों में आपको एक जैसे प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा गौर कीजिएगा, मेथड नंबर फाइव लिखा हुआ स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। हाइड्रोकार्बन आमतौर पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दिया जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद हो, तो नॉर्मली मेरे पास मीथेन गैस मौजूद है। बेटा चूंकि सस्ती है, वाफर मकदार में मौजूद है बहुत सारे मुल्कों में, इस बुनियाद पर मीथेन गैस और स्टीम को मिलाया जाता है निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 900 डिग्री सेल्सियस पर। तो देखिए दोनों गैशियस फॉर्म में है, मीथेन और स्टीम भी, मगर अब जो एक दोबारा प्रोडक्ट बन रहा है उसके अंदर हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर बना। बेटा एक चीज मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूं, जरा गौर से देखिएगा, इस मेथड नंबर फोर में हाइड्रोजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, ठीक है, जबकि इस मेथड नंबर फाइव के अंदर और सिक्स के अंदर आपको एक जैसा काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर बन रहा है। इस मिक्सचर को मैं और आप क्या नाम देते हैं, वाटर गैस का नाम देते हैं। कि वाटर गैस क्या होगी, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एट 900 डिग्री सी, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ स्टीम एंड नेचुरल गैस इज पास्ड ओवर निकल कैटलिस्ट, देन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज फॉर्म ऑब्टेन रिलीज विच इज कॉमनली नोन एज वाटर गैस। राइट अब जरा नीचे की तरफ चलते हैं, मेथड नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। फाइव और सिक्स के अंदर रिएक्टेंट्स अलग अलग हैं, मगर बेटा बनने वाले प्रोडक्ट्स दोनों सेम बन रहे हैं। मिक्सचर कहने की वजह यह है कि रेशियो डिफरेंट बन रहा है। अब जरा गौर कीजिएगा, मीथेन गैस और स्टीम 900 डिग्री सेल्सियस निकिल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में मिलते हैं तो वाटर गैस बन रही है, 3:1 का रेशियो। जबकि एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल या कोक, कोल कहिए कोक कहिए, दोनों बातें एक ही कहलाएंगी, तो लिहाजा इसको बॉश प्रोसेस का नाम दिया जाता है। 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है स्टीम को जब हम रेड हॉट, तो आपके ख्याल में कोयलों को जब जलाया जाए तो सुर्ख अंगारा हो जाएंगे या काले पीले नजर आएंगे, यकीन सुर्ख अंगारे हो गए, लिहाजा लिखा गया ओवर रेड हॉट कोक डायनामिक्स। देखो ऊपर लिखा हुआ है कोल, नीचे लिख रहा हूं कोक, एक ही बात कंसीडर की जाएगी, दोनों का फॉर्मूला सेम है, कार्बन कहते हैं, दोनों की शक्लें अलग अलग कंसीडर की जाती हैं। तो स्टीम कोक प्रोसेस कह दीजिए, स्टीम कोल प्रोसेस कह दो, या बॉश प्रोसेस का नाम दिया जाए, दोनों चीजें एक ही कहलाएंगी। अब आप बताइए इस पर आपके प्रोडक्ट में क्या चीज बन रही है। यहां पर बन रहा है हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिक्सचर, जिसे वाटर गैस कह रहे हो।
इसी तरह से देखो मेथड नंबर सिक्स के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का एक मिक्सचर बन रहा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुमने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम पर स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस को लिखा या फिर एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, यानी मेथड नंबर फाइव या सिक्स दोनों लिखे या दोनों में से कोई एक भी लिखा, तो जरा सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर आपने इसके साथ ये वाला मेथड जरूर लिखना है। सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज वाटर गैस, व्हाट आर द मेथड्स टू सेपरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। अब मुझे बताओ वाटर गैस की डेफिनेशन क्या है। जब हम मेथड नंबर फाइव या मेथड नंबर सिक्स दोनों लिखें या दोनों में से कोई एक भी मेथड आपने लिखा, मेथड फाइव या मेथड नंबर सिक्स दोनों लिखें या दोनों में से कोई एक भी लिखा, तो आप समझ लीजिए कि आपने फिर इन मेथड्स में जिसको एक को मैं नाम दे रहा हूं लिक्विफैक्शन मेथड यानी कूलिंग मेथड और दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन मेथड, बेटा या तो दो पूछेगा तो दोनों लिखोगे या फिर दोनों में से कोई एक लिखा जाए, ये आपकी पसंद पर है कि कौन सी चीज को कैसे लिख सकोगे। अब जरा जो परेशानी आप लोगों को हो रही है, सर स्क्रीनशॉट लेना है, मैं आपको वक्त दे दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए, पहले मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए, स्क्रीनशॉट का वक्त मैं आप लोगों को दे दूंगा। बेटा मेथड वन मेथड टू दोनों लिखने पड़ेंगे या दोनों में से कोई एक मेथड लिखना पड़ेगा लाजमी तौर पर, कब किस वक्त, जब आपसे सवाल क्या पूछा जाए, आपसे सवाल पूछा जाए राइट डाउन द फोर मेथड ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, तो बेटा आपके पास मेथड नंबर वन हो गया, मेथड नंबर टू हो गया, थ्री वाला कैंसिल, फोर वाला आपका थ्री बन जाएगा, तो फिर आपको फाइव वाले को फोर या सिक्स वाले को फोर बनाना है, तो लिहाजा फाइव और सिक्स दोनों में से कोई एक तो लिखना पड़ेगा। तो जब ये दोनों में से कोई एक लिखना पड़ रहा है तो तब भी तुम्हें क्या काम करना होगा, तब भी मेरे बेटा आप लोगों को मेथड नंबर वन या मेथड नंबर टू दोनों में से कोई एक मेथड लाजमी तौर पर लिखना है। लेकिन अगर वो कहता है कि वाटर गैस में से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के दो तरीके बताओ, तो बेटा फिर आपको वन और टू दोनों मेथड्स लिखने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में। अब जरा लिक्विफैक्शन मेथड को, जिसे कूलिंग मेथड का नाम दिया जाता है, बेटा इसको लेंस का प्रोसेस भी कहते हैं, लेंस प्रोसेस, LANE apostrophe S, लेंस प्रोसेस। ऑक्सीडेशन मेथड का हो कूलिंग मेथड, इन दोनों के जरिए हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे हो, लिहाजा लिक्विफैक्शन मेथड को लेंस मेथड का नाम भी देते हैं, नोट कर लीजिएगा लेंस मेथड, LANE apostrophe S। अब हम क्या काम कर रहे हैं, इस मिक्सर को माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर रहे हो। जब माइनस के 200 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको ठंडा किया, तो बेटा ठंडा करने के मौके पर आप लोगों को ये टेम्परेचर देख रहे हो कितना आ रहा है, माइनस का 200 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर पहुंचने से पहले बेटा यहां पर आपके पास देखो लिखा हुआ है माइनस का 193 डिग्री सेल्सियस, तो याद रखिए आपके सिलेबस ने ये टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग भी ये वाली वैल्यू याद नहीं करोगे। इस तरह से ये सिर्फ आप लोगों की जहानत को जांचने का एक इम्तिहान था, तो मैंने क्रॉस कर दिया है, तो ये वाला टेम्परेचर आपने याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये लैंग्वेज लिखनी है। कौन सी लैंग्वेज लिखनी है, वाटर गैस इज कूल डाउन अप टू माइनस 200 डिग्री सेल्सियस बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर कार्बन मोनोऑक्साइड बिकेम लिक्विड एंड हाइड्रोजन रिमेन एज गैस। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विड फॉर्म में नीचे की तरफ आएगी, गैस हमेशा ऊपर की तरफ उठती है, और जब हम लिक्विड या गैस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड की थोड़ी सी मिकदार दोबारा गैस की शक्ल में हाइड्रोजन के साथ मिक्स हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रेसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या कहते हो, ट्रेसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटा इस ट्रेसिस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को इस हाइड्रोजन से अलहदा करने का एक आसान सा तरीका आपको यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, और मैं उसी की तरफ आप लोगों को लेकर जा रहा हूं, और वो तरीकेकार ये है कि ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिमूव बाय पासिंग द मिक्सचर थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन विच एब्जॉर्ब्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म सोडियम फॉर्मेट। बेटा सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला HCOONA, तो HCOONA कहिए या सोडियम फॉर्मेट कहिए,
दोनों बातें एक ही कहलाती हैं। अब एक बात और सुन लो बेटा, इस वाले तरीके में जो मेथड नंबर वन तुम्हें यहां पर लिखा हुआ नजर आ रहा है, इस मेथड नंबर वन के जरिए हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो। इसी तरीके से आप कार्बन मोनोऑक्साइड को भी प्योर फॉर्म में हासिल कर सकते हो। आ रही बात समझ में? अगर उसने कहा कि जी व्हाट इज वाटर गैस, वाटर गैस क्या है, तो आपने डेफिनेशन ये वाली दे दी, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज कॉल्ड वाटर गैस। अब जब तुमने वाटर गैस की डेफिनेशन दे दी, उसने कहा हाउ कैन वी सेपरेट प्योर सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, क्या कहें, प्योर सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो बेटा फिर आपको मेथड नंबर वन लिखना है। एक चीज याद दिला दूं, मेथड वन हो या मेथड टू हो, इन दोनों के दोनों मेथड में हाइड्रोजन प्योर फॉर्म में हासिल होगी। देखिए मेथड वन मेथड टू इन दोनों की मदद से हाइड्रोजन गैस प्योरिफाइड फॉर्म में हासिल कर सकते हो, लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जाए कि हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो बेटा याद रखो कूलिंग मेथड, लिक्विफैक्शन मेथड, ये डायग्राम नहीं बनानी है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए थी, आपको डायग्राम नहीं बनानी, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पैराग्राफ और ये वाली इक्वेशन लिख देनी है। अब आइए लेंस मेथड की तरफ आपको लेकर चलते हैं। लेंस मेथड में क्या काम करना है आपने और मैंने, बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का ये मिक्सचर क्या कहलाता है, वाटर गैस कहलाता है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक तो ऑलरेडी आपके पास क्या चीज मौजूद है, वाटर गैस मौजूद है, ठीक है। अब आपने इसको स्टीम, यानी कि स्टीम इसमें से गुजार दिया, वाटर गैस के साथ स्टीम को रिएक्ट करवा दिया, मगर बताओ यहां पर टेम्परेचर कितना है, 500 डिग्री सेल्सियस, और यहां कैटलिस्ट कौन सा है, आयरन या आयरन ऑक्साइड कैन बी यूज एज कैटलिस्ट। अब एक बात बताइए, वाटर गैस इज हीटेड विद स्टीम एट इतने डिग्री सेल्सियस इन प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ओके। अब जब ये आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस और इतने टेम्परेचर पर मिक्स किया गया, बेटा ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये खुद को बदल लेती है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इस सेकेंड मेथड में तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती ही नहीं है, लिहाजा सिर्फ और सिर्फ मेथड वन वो मेथड है जिसमें आप हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों को प्योरिफाइड फॉर्म में सेपरेट कर सकते हो, जबकि सेकेंड मेथड में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्योरिफाइड फॉर्म में, यानी मेथड वन और मेथड टू दोनों वो मेथड है जिसमें हाइड्रोजन गैस को प्योरिफाइड फॉर्म में और आप सेपरेट कर सकते हैं, मगर मेथड वन सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड की प्योरिफाइड फॉर्म हासिल करने के लिए आप और मैं इस्तेमाल कर सकेंगे। अब बेटा जब कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर बना, तो आप मुझे बताइए कि आपने अभी कुछ देर पहले मेथड नंबर फोर में पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंडर वाटर हाई प्रेशर गुजारते हैं, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिजोल्व हो जाती है और हाइड्रोजन गैस की शक्ल में सेपरेट हो जाती है, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास मजमुई तौर पर ये सब की सब चीजें यहां तक कैसा कंप्लीट हो गया, जो इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के नाम पर आपसे पूछा जाता है। अब मेरे बच्चों मैं आपको रिव्यू करवाना चाहता हूं कि ये सवाल किस तरह से बनता है या किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लिहाजा मैं आपको लेकर जा रहा हूं कहां पर, इनके एमसीक्यूज की तरफ, और इसके साथ साथ लेकर जाऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। देखिए मेथड नंबर वन आज आपने पढ़ा था, ये एक इक्वेशन 2017 के ना कंप्लीट करने को दी गई, मीथेन गैस को डिकम्पोज किया, हाइड्रोजन गैस प्लस ए बना। तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब किस जगह पर बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या वाटर। आप लोग जानते हैं कि यहां पर बेटा क्या चीज बनेगी, क्या चीज हासिल होगी, यहां पर कार्बन ये बनेगा, लिहाजा इक्वेशन की कंप्लीजन के तौर पर ये चीज आ गई। अब जरा अगला वाला एमसीक्यू देखिए, अगला वाला एमसीक्यू आपको ये बता रहा है नाइट्रोजन गैस लिक्विफाइज एट दिस टेम्परेचर, वो कौन सा टेम्परेचर है, माइनस का 196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ठीक है। ये जो तुमने आज का टॉपिक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन से मुतालिक पढ़ा, उनसे मुतालिक ये चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी हैं, यहां पर समझा दी हैं। अब आ जाइए 2019 के अंदर क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपने ये चीज आज ही पढ़ी है,
राइट, टू मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस। अब आप मुझे बताओ कि मैं वाटर गैस में से हाइड्रोजन को किस तरह से सेपरेट कर सकता हूं। इस तरीके से अभी जो आपने मेथड नंबर वन और मेथड नंबर टू पढ़ा, लिक्विफैक्शन मेथड और फिर ऑक्सीडेशन मेथड, ये दोनों की दोनों चीजें आपने यहां पर लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आएंगे, देखिए 2017 का क्वेश्चन था सेक्शन बी में, गिव फोर इंडस्ट्रियल मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्या रहा है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आपको नहीं चाहिए, लिहाजा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर से हटकर आपने ये चीज करके दिखानी होगी। तो लिहाजा हाइड्रोजन गैस की तैयारी 6 मेथड्स आपने पढ़े, एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस बाकी बच गए 5, तो मेथड नंबर 5-6 को 1-2 बना लीजिएगा। मगर जब मेथड 5 और 6 को लिखोगे तो याद रखिए उसके साथ वो नीचे हेडिंग जरूर बनाओगे, सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये लीजिए मैं आपको लेकर जा रहा हूं ताकि आप लोग जल्दी से इस चीज को देख लीजिए, ताकि फिर दोबारा परेशान ना हो कि ये क्या मतलब था, क्या इससे मकसद था। जी, वॉट इज वॉटर गैस, तो उसने वॉटर गैस की डेफिनेशन ही पूछी है, उसने पूछा सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वॉटर गैस, मेथड 1-2 आ गया उस पहले क्वेश्चन 2019 के लिए। अब जब आपने इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के इन 6 में से 4 मेथड लिख के एक्सेप्ट इलेक्ट्रोलिसिस, तो बेटा तो ये तुम्हारे पास 5वां मेथड चौथा बन जाएगा। अब तुमने ये वाला मेथड लिखा या ये वाला मेथड लिखा, तो यहां तो हाइड्रोजन नहीं बन रही, वॉटर गैस बन रही है। तो बेटा जब वॉटर गैस बने, तो फिर आप समझ लीजिए कि जब वाटर गैस बन रही है तो उसमें से हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2 आपको लाजमी तौर पर लिखना होगा, ठीक है। तो लिहाजा अब मैं और आप आपको लेकर वापस क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, सेशन बेटा एक्सपायर हो जाएगा, एक्सटेंड नहीं करेंगे। जी अब आ जाइए उसके बाद आपके पास जो आपने लास्ट टाइम पढ़ा था कि डिफाइन द टर्म आइसोटोप, एक्सप्लेन द वेरियस आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कह रहा है कि डिस्क्राइब टू मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस एंड गिव टू मेथड्स फॉर द सेपरेशन ऑफ प्योर हाइड्रोजन फ्रॉम इट। तो लिहाजा 5 और 6 वाला मेथड आपने लिखा,